हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरी लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको बताने लगा हूँ छोटे से हैक के बारे में। कई बारी हम काइगर ओनर्स ने ये चीज़ पर्टिकुलरली फेस करी है। रेनो काइगर RXZ CVT है मेरे पास, मैंने भी ये चीज़ फेस करी थी। अचानक से ऑटो पिंच अप एंड डाउन, जो ऑटो स्विच होता है विंडो को ऊपर नीचे करने वाला, वो चलना बंद हो जाता है कई बारी। अब ये क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्यों है, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्यों कंपनी की तरफ से ये प्रॉब्लम आई है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है ये ज़रूर मैंने ढूंढ निकाला है। तो मैंने सोचा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूँ। सो कई बार ऐसी चीज़ आती है, ये विंडो है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, मैंने इसको नीचे किया, जितनी देर मैंने इसको दबा के रखा उतनी देर तो विंडो खुली, और उसी तरीके से मैंने इसे ऊपर किया, जितनी देर तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ उतनी देर तो विंडो ऊपर जा रही है, बट अदरवाइज ये चल नहीं रहा। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैंने एक बहुत छोटी सी टेक्निक इनकी सर्च करी, इनके इंजीनियर से पूछी, उन्होंने मेरे को बताई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि दूसरे किसी को सर्विस सेंटर ना जाना पड़े। आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार ही नीचे लाना है विंडो को, उसके बाद आपने वापस विंडो ऊपर लेके जानी है। ऊपर ले जाने के बाद आपने इस पर्टिकुलर ऑटो का जो बटन है इसको 5 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है। अब आप देखिए, ये नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है। गाइस, मैं होप करता हूं कि ये जो विंडो का हैक है ये आप लोगों की यूज का होएगा, आपके काम में आएगा, और इसके थ्रू सर्विस सेंटर जाने की मुसीबत, परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं जो वीडियो में नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइए। थैंक यू।